बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह अभी फरार चल रहे हैं। जमानत याचिका रद्द होने के बाद से कार्तिक सिंह अंडरग्राउंड हो गए हैं। दरअसल कार्तिक सिंह बिल्डर राजू सिंह के अपहरण के मामले में फरार चल रहे हैं। अब पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह पर बिल्डर राजू सिंह की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। राजू सिंह की पत्नी दिव्या सिंह ने कहा कि जब से कार्तिक सिंह का मामला उठा है तब से कुछ लोग उनके परिवार को लगातार धमकी दे रहे हैं। दिव्या सिंह ने कहा कि उन्हें धमकी मिली है कि बेउड़ जेल में केस कॉम्प्रोमाइज कर लो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। दिव्या सिंह ने कहा कि उनके परिवार में डर का माहौल है, इसलिए पुलिस से मदद की मांग की गई है। कार्तिक सिंह जी कानून मंत्री रहे हैं, उन पर मेरे पति का अपहरण का मामला है और उनके खिलाफ वारंट भी जाहिर है उन पे, लेकिन वो खुद फरार चल रहे हैं। मेरे पति 1 साल से जेल में हैं और उन पे कोई क्रिमिनल केस नहीं है, किसी तरह का कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, पर चूँकि इस केस को लेकर वो ज़्यादा ना बोल पाए इसलिए ज़बरदस्ती उन पर आरोप लगाया गया है। और 20 अगस्त को 4 गाड़ियाँ से लोग जाते हैं, जब कार्तिक सिंह का मामला काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया तब 4 गाड़ियाँ से लोग जाते हैं बेउड़ जेल और वहाँ पे कहते हैं कि आप इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ करिए वरना आप दिक्कत में आ जाएंगे। जेल प्रमाइसिस में अभी तक उनके परिवार वालों को ये सुविधा नहीं दी गई कि उनसे मुलाकात हो सके, आउट ऑफ टाइम जाके 1:30-2 बजे के बीच जाके उनसे 4 गाड़ी से लोग जाके मिलते हैं और अपना वर्चस्व दिखाते हुए उनको दबदबा दिखाते हुए कहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज करिए वरना आपके साथ दिक्कत आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके घर पे लोग आ जा रहे हैं, घर पे लोग फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए, आपको भी तो यहीं रहना है, आपको कहाँ जाना है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, बहुत डर लग रहा है। मैंने इस चीज़ को लेकर SSP सर को भी लेटर लिखा और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको सुरक्षा दी जाएगी, पर अभी तक मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई। मैंने इस चीज़ को फ़ोन भी किया उनको पर मेरे फ़ोन को इग्नोर किया जा रहा है। और इसलिए मैंने सर माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी को ये लेटर लिखा और उनसे ये आग्रह किया कि मेरे इस मुश्किल को देखा जाए, मेरी समस्या को देखा जाए। पटना पुलिस को दिव्या सिंह की सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए और उनके लगाए गए गंभीर आरोप की जाँच करनी चाहिए। पंजाब केसरी TV के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।